नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूँ। 27 मार्च 2024 के शेगांव और खामगांव के कुछ खास समाचार लेकर समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। आवारा कुत्तों की पकड़ बंदी, 3 गाड़ियों को लगी आग, रेलवे फाटक बंद, गर्भवती कामगारों के रजिस्ट्री की मांग, चिन्मय विद्यालय में मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम का समापन। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से और जानते हैं समाचारों को विस्तार से। कई दिनों से शिकायत करने के बाद आखिरकार नगर पालिका ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। नगर निगम ने एक ठेकेदार को शेगांव के सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने का ठेका जारी कर दिया है। ये ठेकेदार अब हर कॉलोनी में घूम घूम कर आवारा कुत्तों को पकड़ेंगे। परसों रात एक भीषण आग हादसा हो गया। अड़सना इलाके में एकाएक 3 बाइकों को आग लग गई। ये गाड़ियां एक ही परिवार के लोगों की थी। बताया जाता है कि तीनों गाड़ियां हीरो कंपनी की पैशन बाइक है। परिवारजनों ने अनजान व्यक्ति के खिलाफ बाइकों को आग लगाने का मामला दर्ज किया है। रेलवे ने एक सूचना में बताया कि जलम के पास रेलवे फाटक को 29 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस फाटक के बंद रहते यहां से जड़ वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बाइक को छोड़कर और कोई भी वाहन यहां से नहीं जा सकती है। बाइक के लिए एक छोटा सा सबवे खोला गया है, जिसके जरिए वो पटरी के इस पार से उस पार आराम से जा सकते हैं। हर मजदूर के पास अपना हक है, लेकिन खामगांव के घरगुती कामगार हैं जिनसे कि उनका हक छीन लिया गया है। बात कल की है, जब सभी घरगुती कामगारों ने खामगांव के श्रम आयुक्त से उनके आईडी कार्ड बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि न ही कोई राजनीतिक दल, न ही कोई ऑनलाइन सेंटर और न ही कोई सरकारी संस्था उनके लिए श्रम आईडी कार्ड बना रही है। अगर उन्हें उनका पहचान कार्ड मिल जाए तो उन्हें भी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। महर्षि चिन्मयानंद जी के संस्थान द्वारा संचालित शेगांव के एनवी चिन्मय विद्यालय में मस्ती की पाठशाला नामक एक कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम को पिछले हफ्ते 20 तारीख को शुरू किया गया था और आज यानी 27 मार्च को इस कार्यक्रम का अंतिम चरण था। पूरे एक हफ्ते बच्चों के साथ क्राफ्ट, क्ले, म्यूजिक और डांस जैसे ढेर सारे को करिकुलर एक्टिविटीज करवाई गई। स्कूल के प्रिंसिपल श्री किशोर कुलकर्णी जी ने बताया कि नए शिक्षा पद्धति के अनुसार बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए ये पूरा हफ्ता मस्ती की पाठशाला चलाई गई। इस कार्यक्रम में बच्चों को आंतरिक शक्ति जगाने की कला को सिखाने के लिए श्री गजानन जी सावकार खामगांव से, क्लासिकल डांस सिखाने के लिए टीशा चौहान, म्यूजिक के लिए श्री कुंदन इंगोले जी, वैदिक मैथ के लिए श्रीमती श्रद्धा भोबड़े जी, क्ले मॉडल्स बनाने के लिए श्री उल्लास जाहाके जी, वेब डेवलपमेंट के लिए श्री हरीश जाधव और उनकी टीम, फोटोग्राफी के लिए ऋषिकेश इंगोले और शिशु वाटिके के तमाम टीचर्स ने बच्चों को क्राफ्ट वर्क सिखाया। इन सभी एक्सपर्ट्स की देखरेख में बच्चों ने जमकर मस्ती की और मस्ती के साथ साथ ये सभी चीजों को खुशी खुशी सीख लिए। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती वसुधा देव जी उपस्थित रही। कार्यक्रम के अंत में प्रिंसिपल सर ने खामगांव से आए हुए सभी फैकल्टीज को पुष्पगुच्छ और भेंट देकर उनका आभार प्रकट किया। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। और अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो खामगांव और शेगांव के कुछ खास खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। मैं कीर्ति लेती हूं आप सभी से विदा। धन्यवाद।